Hi guys, my name is Nisha और आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ. आई होप मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सकूँ. गाइस, अगर आप परेशान हैं अपनी फैमिली में होते हुए झगड़ों की वजह से या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. गाइस, ऐसा सभी की लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी हुआ है कि हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और हम उस गुस्से में बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स से, चाहे अपने पेरेंट्स से या अपने स्पाउस से, जिसको लेकर हम बाद में रिग्रेट करते हैं. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर किसी और चीज़ का घाव होता है तो वो मेडिसिन से भर जाता है, लेकिन जो शब्दों के घाव है, जो वर्ड्स के घाव है, वो शायद ज़िंदगी भर हमें बहुत ज़्यादा पिंच करते हैं, वो कभी भी नहीं भरते, राइट? तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जब भी आप परेशान हैं और आप या आपके सामने जो भी इंसान है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपके स्पाउस हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, तो सबसे बेस्ट रेमेडी है कि उस समय आपको शांत हो जाना चाहिए. मुझे पता है कि आप कहेंगे कि कहना बहुत ही आसान है, लेकिन इन रियल लाइफ ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन मुझे पता है कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं. बट गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे इस बताए हुए काम को आप करेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे. आई मीन, जब भी किसी दूसरे इंसान को गुस्सा है, आपको बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए जब उस बंदे का गुस्सा शांत हो जाए, तब आप उसको अपनी बात समझाएं. क्योंकि जब उस इंसान को गुस्सा आ रहा है ऑब्वियसली, और आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में ना ही तो बोलने वाला समझ सकता है और सुन तो कोई रहा ही नहीं होता है दोनों में से, क्योंकि झगड़ा हो रहा होता है. सो उस समय थोड़ा सा अपना ईगो को थोड़ा नीचे रखें, उस समय शांत हो जाइए, उस बंदे को भी शांत हो जाने दीजिए और फिर सलीके से अपनी बात रखिए. ट्रस्ट मी गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी लाइफ में. लाइफ बहुत ही शॉर्ट है. ट्रस्ट मी गाइस, यू डोंट नो, आई मीन वी नो, नेवर नो, यू नो, भगवान जी कब हमें अपने पास बुला ले, बट लाइफ इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल. और हमारे जो आसपास लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, यही है हमारे सब, जो मैं कहूँगी जमा पूंजी, यही वो सब लोग हैं. सो ट्राई करिए दोस्तों कि झगड़ा ना करें, गुस्सा ना हुए, गुस्सा आ भी जाए तो उस गुस्से को जल्दी से शांत कर लीजिए. कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जब आपको गुस्सा है, जैसे कि द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि आपको उस जगह से तुरंत चले जाना चाहिए, यानी कि आप उस जगह से हट जाना चाहिए. आपको आपको 10 तक उल्टी गिनती करनी चाहिए, राइट? आपको अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना चाहिए और द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि अपना फेवरेट म्यूजिक ऑन करिए और डांस करना शुरू करिए. ट्रस्ट मी गाइस, आपका गुस्सा ऐसी चुटकियों में गायब हो जाएगा. और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जब आपको गुस्सा आ रहा है किसी सिचुएशन से, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, कि आप एक शीट उठा लीजिए और आप उस पर लिख लीजिए जितनी भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपके पास से रिलेटेड हैं, या आपको किसी ने कुछ कह दिया है, आपको गुस्सा है किसी बात पर, तो आप उसको लिख दीजिए और आप उसको बार बार खुद को बताइए. जब आप बार बार खुद को वो चीज़ें बताएंगे तो वो चीज़ें आपके लिए कुछ दिनों में एक स्टोरी की तरह हो जाएगी और आपको वो चीज़ें हर्ट करना फिर बंद कर देगी. या फिर आप इस चीज़ को लिख कर फाड़ भी सकते हैं, या आप उसको जला भी सकते हैं, विच एवर वे यू लाइक. आप उसको टॉयलेट में आके फ्लश भी कर सकते हैं. बट दैट वे एक्चुअली जब आप दिल की बात लिख देते हैं या इससे शेयर कर लेते हैं तो वो आधी वैसे भी ख़त्म हो जाती है, राइट गाइस? सो आपको ऐसे गुस्सा नहीं करना है. जब भी आपको गुस्सा है, आपको पानी पीना है, आपको गिनती करनी है, आपको डांस करना है, आपको गाना गाना है, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट आपको गुस्सा नहीं करना है. क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो ना केवल फिजिकली हम मेंटली हर तरीके से टूट जाते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें लेटर बहुत नुकसान करती हैं. तो गाइस, मैं यही कहूँगी कि जब भी आपको गुस्सा है, स्पेशली ये मैं लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, मेरी जितनी भी बहनें हैं या मेरी जितनी भी माताएं हैं या मेरी जितनी भी बच्चियां हैं, उन सबके लिए बता रही हूँ कि उनके वैवाहिक जीवन में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब उनके हस्बैंड से या उनके इन लॉज में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जो हमें नहीं पसंद होती हैं या हम वो सब चीज़ें नहीं सुनना चाहते. बट ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर सेल्फ मम. आप शांत रहें उस समय और प्लीज़ पेशेंस रखें. अगर आप पेशेंस रखेंगे तो लाइफ में हर एक चीज़ आपको मिलेगी सही समय आने पर. बट आपको पहले खुद का मन शांत रखना है और ऐसा जब आप करेंगे तभी आप किसी दूसरे का दिल जीत सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या आपके फैमिली मेम्बर्स हो. गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए.
और मेरे पीछे भी बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हैं, अपलोड करी हैं, वो आप जरूर चेक करिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये बताइए कि आप किस वीडियो को देखने के बाद आपका गुस्सा शांत हुआ या नहीं। वेल गाइज, लाइफ इज ब्यूटिफुल, एंजॉय इट टू द बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। Hey there, if you really want to be happy and successful in life, do not forget to subscribe this channel and press the bell icon in order to receive all the notifications.